नाज़रीन, आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त और अहम जानकारी देने वाला हूं कि जिसके ज़रिए आप किसी भी फ़ोटो या नाम को खूबसूरत अंदाज में एडिट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, कई दोस्त इसकी फरमाइश कर चुके हैं, तो इसी तरीके के बहुत से खूबसूरत डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो चलिए आइए जान लेते हैं कि कैसे और कहाँ से बनाना है, तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। नाज़रीन, उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम फोटोलैब है, जिसे आप प्ले स्टोर से आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वो पेड है, जहां पर आप कुछ ही चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फ्री वर्जन देने वाला हूं, तो उसे कहां से और कैसे डाउनलोड करना है वो मैं इस वीडियो के अंदर आगे चलकर मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कहां पर और कैसे बनता है। मैं यहां से अपने एप्लीकेशन फोटोलैब को यहां से ओपन कर लेता हूं। यहां पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैं इसे यहां से कर लेता हूं ओपन। जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये नजर आएगा। तो यहाँ पर मैं राशिद भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि राशिद भाई ने हमें ये ऐप दिया और इसके बारे में बताया और हमें बनाने के लिए भी सिखाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई आपका। आप उनके लिए दुआ करें और राशिद भाई के लिए ज़रूर एक कमेंट करें। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। यहाँ पर कई ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखें एक फ़ोटो एडिट है जिसके ज़रिए आप फ़ोटो को एडिट कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है रिमूव ऑब्जेक्ट, इसके ज़रिए आप किसी भी इमेज या फ़ोटो के ऊपर आपको जो चीज़ें अगर कुछ हटाना हो तो आप आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ये वाला एक इमेज लिया। अब जैसे मुझे यहाँ पर शहर नागपुर लिखा हुआ है, इसे हमें हटाना है, तो मैं इस पर इस तरीके से निशान लगा दूंगा। तो यहां पर आप देखें ये खुद बखुद कुछ ही सेकंड के अंदर यहां से ये गायब हो गया। इसी तरीके से हम अगर ये हटाना हो तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से कुछ ही सेकंड में ये भी यहां से ये गायब हो गया, ये खत्म हो जाता है। देखिए, तो पहले कुछ इस तरीके से था, अब ये इस तरीके से है। तो इस तरीके से आप किसी भी इमेज या फोटो के ऊपर से आपको कोई चीज हटानी हो तो आप आसानी के साथ हटा सकते हैं। उसके बाद यहां पर आ जाते हैं, हमारा दूसरा ऑप्शन है एनिमेटेड, यानी आप इसके जरिए अपने फोटो के अंदर कोई एनिमेशन लगा सकते हैं। उसके बाद यहां से एनहेंस, यानी आप अपने इमेज को इनहेंस कर सकते हैं, यानी आप HD में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई फोटो अगर आपका ब्लर हो तो इसके जरिए आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर कई ऑप्शन है, चेंज बैकग्राउंड है, यहां से आप इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। अब हमें आ जाना है यहां से नीचे, जो असल काम मैं आपको बताने वाला हूं, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है AI सेंस, इस पर आपको टच कर देना है। जब आप इस पर टच करेंगे तो आपसे आप अपनी गैलरी से वो इमेज ले लें जिसे आपको खूबसूरत अंदाज में कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। तो मैं यहाँ से अपने इमेज को ले लेता हूँ, नाम ले लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं खुद बखुद ये सारी चीजें चेंज हो जाएगा कुछ ही सेकंड के अंदर। देखें आप, कुछ चेंज हो गया। तो यहाँ पर कई ऑप्शन है, यहाँ पर आप जिसके जरिए बनाना चाहें बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा चल रहा है, यहाँ पर आप देखें ये पेपर आर्ट लिखा हुआ, इस पर आप टच कर दें तो देखिए इस पर बहुत सारा खूबसूरत सा डिजाइन बन जाएगा। अगर ये आपको पसंद नहीं आ रहा है तो ये AI का कमाल है, आप कितनी बार भी इसको आप सर्च करके आप इसके डिजाइन को बदल सकते हैं। अगर आपको ये पसंद ना आए आप फिर से दोबारा इस पर टच करें, इस पर आप खुद बखुद यहाँ पर आप देखेंगे ये बदल जाएगा। देखिए, फिर दोबारा से हम टच करते हैं, फिर से बदल गया। इस तरीके से आप यहाँ पर जो लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला मैं ले लेता हूँ, देखिए इस पर कैसा डिजाइन बनता है। तो ये सारा जो है ये बिल्कुल फ्री है, ये मार्वल वाला डिजाइन है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने नाम को, अपने फोटो को आप यहाँ पर डिजाइन दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखें कई और है, तो यहाँ पर देखें आपको कुछ सेकंड इंतजार करना। देखें यहाँ पर ये भी बन गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखें ये जंगली लिखा हुआ, इस पर हम टच करके देख लेते हैं। अगर एक पसंद ना आए तो आप फिर से दोबारा इस पर टच करें, दूसरा बन जाएगा। ये पसंद नहीं आया, इसी पर मैं दोबारा टच करता हूँ और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अलग से और बनकर आए। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी नाम को खूबसूरत अंदाज में बना सकते हैं। आप चेक कर लें, और भी यहाँ पर कई ऑप्शन है जिसके जरिए आप इसको और खूबसूरत अंदाज में बना सकते हैं। असल में ये फोटो एडिटिंग है, लेकिन हम लोग इसे तहरीर के ऊपर अप्लाई करके हम कोशिश करते हैं कि अपने तहरीर को खूबसूरत बनाएं। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आप देखें ये पेड है, इसके लिए आपको यहाँ पर पैसे खर्च करना होगा, लेकिन मैं आपको ये फ्री वाला देने वाला हूँ। तो आप इसके जरिए सारा चीज़ें आप फ्री में कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं एक बार और चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये डिजाइन बनता है। आपको जो डिजाइन पसंद हो वो डिजाइन आप यहाँ पर बना लें। अब बनाने के बाद इसे सेव कैसे करना है, तो बिल्कुल आसान तरीका है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सेव कैसे करना है। यहाँ पर ऊपर ही ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है सेव वाला ऑप्शन, आपको इस पर टच कर देना है। जब आप इस पर टच करेंगे देखें रिमूव वाटरमार्क, ये खुद ब खुद यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये फ्री वाला वर्जन है। उसके बाद यहाँ से आप सेव कर लें तो ये आपके मोबाइल के अंदर सेव हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप इस ऐप के जरिए अपने किसी भी फोटो या नाम को खूबसूरत अंदाज में बना सकते हैं। तो चलिए अब आप जान लेते हैं कि इस ऐप को कहां से डाउनलोड करना है। तो नाज़रीन, उसके लिए आपको
हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा। टेलीग्राम के ऊपर आप सर्च करेंगे सीए ग्राफिक, या उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहां से आप सीधे हमारे चैनल के ऊपर जाएं और वहां पर आपको इस वीडियो के साथ, इस वीडियो के नीचे आपको वो ऐप मिल जाएगा। वहां से आप उसे डाउनलोड करके आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।